बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा आपको लेकर चलते हैं बुलंदशहर से, जहां पर आपको बता दें कि दरोगा पर लगा जमीनी विवाद में रिश्वत लेने का आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर आपको बता दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, रिश्वतखोर दरोगा का वीडियो वायरल हो रहा है। बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां पर पीड़ित ने दरोगा पर 5,000 की रिश्वत लेने का आरोप लगाया और वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से, दरोगा पर लगा जमीनी विवाद में रिश्वत लेने का आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां पर पीड़ित ने दरोगा पर 5,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। दरोगा पर जमीनी विवाद में रिश्वत लेने का आरोप लगा है। तस्वीरों में यह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि पीड़ित दरोगा को रिश्वत दे रहा है। पीड़ित ने दरोगा पर 5,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है और ये मीडिया पर, सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता साजिद सैफी बुलंदशहर से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। साजिद, आपसे जानना चाहूंगी कि वीडियो में साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि दरोगा 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस पूरी खबर पर? देखिए गरिमा, मैं बता दूं कि बुलंदशहर के ककोर कोतवाली के दस्तुआ चौकी का इंचार्ज बताया जा रहा है, जो दरोगा है जी। बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर के एक कथित आरोपी, जिस पर उसके भतीजे की पत्नी यानी कि पुत्र वधु ने आरोप लगाया था कि उनका घर वृद्ध ने कब्जा रखा है। वृद्ध का कहना ऐसा है कि घर उसका अपना है, ये इनका घरेलू जमीनी विवाद है जो आए दिन थाने और चौकियों में घूमता है। कथित आरोपी के मुताबिक ये दरोगा लगातार उससे 5,000 की रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसको लेकर आरोपी काफी दिन से परेशान चल रहा था। और ऐसा नहीं है कि महज एक इस दरोगा की बात की जाए, अगर कथित आरोपी के माने तो पिछले 1.5 साल से जो भी इस चौकी पर इंचार्ज रहा है वो इससे समय समय पर तहरीर के आधार पर रिश्वत मांगता रहा। जब ये वृद्ध बहुत परेशान हो गया तो वृद्ध ने इस दरोगा को अपने घर बुलाया, 5,000 में 500 रुपए की रिश्वत दी और बाकी 4,500 बाद में देने के लिए कहा। इस दौरान वृद्ध ने मोबाइल सेट करके एक वीडियो रिकॉर्ड करा लिया। जो वीडियो आप तस्वीर में देख रही हैं, इसमें 5,000 नहीं बल्कि 500 रुपए की ये दरोगा रिश्वत लेता दिख रहा है। अब ये वृद्ध ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जबकि मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखकर वृद्ध ने इसकी शिकायत की है कि जिस तरह से जो बुलंदशहर पुलिस है वो लगातार वृद्ध का उत्पीड़न कर रही है और रिश्वत की मांग कर रही है। गरिमा, क्या अब तक कोई भी कार्रवाई की गई इस पर? देखिए गरिमा, बिल्कुल हम पुलिस के आला अधिकारियों से इस पर बातचीत करना चाह रहे हैं। अभी तक एक दो और जिस तरह से आचार संहिता भी लगी हुई है तो प्रशासनिक अधिकारी व्यस्त तो थोड़े से जरूर है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हो रहा है और हिंदी खबर भी इस वीडियो को चला रहा है, तो इस पर किस तरह आला अधिकारी संज्ञान लेते हैं और किस तरह की इस आरोपी दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शाजिद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां पर वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और रिश्वतखोर दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।